हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर DDU में एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 में, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट और नोटिस भी जारी की गई है। और काफ़ी बच्चे लगातार यहाँ पर परेशान हैं, क्या मैम मेरा इतना रैंक है, इतने मार्क्स हैं, इतनी कैटेगरी रैंक है, तो क्या मेरा मैम सेकेंड काउंसलिंग में होगा कि नहीं होगा, क्या सेकेंड काउंसलिंग के लिए सीट बचेगी या नहीं, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपकी 80% सीटें फुल हो गई हैं। बात है आपका लेके 5 से लेके 8 अगस्त के बीच में भी अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट डे ही जो हुआ यहाँ पर 80% सीटें फुल हो गई हैं, तो क्या आपकी सेकेंड काउंसलिंग में सीटें बचेंगी कि नहीं बचेंगी, सारे UGPG कोर्सेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बात वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि फर्स्ट पहले चरण में काउंसलिंग में 80% सीटें भरी और परीक्षण में छात्रों का ये, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें BA कोर्स को छोड़कर, क्योंकि BA का अलॉटमेंट नहीं आया और BA की कट ऑफ नहीं हुई जारी की गई है, और इसका जो होगा काउंसलिंग जो होगा ऑफलाइन होगा, BA के कोर्स को छोड़कर यहाँ पर 80% सीटें ऑल UGPG कोर्सेज में फुल हो चुकी हैं, BA BSc BCom MA MSc, और ये भी फर्स्ट डे, ठीक है 5 अगस्त को, ठीक है, क्योंकि 5 से 8 अगस्त के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन काउंसलिंग के पहले चरण में ही 80% से अधिक सीटों पर प्रवेश पूरा हो चुका। 80% मतलब 80% से भी ज़्यादा सीट्स पर भी क्या है यहाँ पर प्रवेश हो चुका है। BA ऑनर्स को छोड़कर ऑनलाइन काउंसलिंग से सीट आवंटन हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन प्रक्रिया भी सोमवार को स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, अब मन में ये टेंशन होगा कि क्या मैम सेकेंड काउंसलिंग आएगी, मेरा तो भाई मार्क्स अच्छा है काउंसलिंग, ठीक है, तो उसको भी अभी हम देख लेते हैं। नए प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल अंक पत्रों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए सोमवार को सुबह से ही परिसर में अभ्यर्थियों का जमावड़ा होने लगा, ठीक है। विभिन्न विभागों संघ में यह सिलसिला शाम तक चलता रहा। इस वर्ष स्नातक स्तर के 15 मतलब UG कोर्सेज की बात करें तो 15 और PG कोर्सेज के 22 कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गई थी, और 1.5 दर्जन महाविद्यालयों ने भी अपनी पूर्ण या आंशिक सीटों पर क्या है प्रवेश के लिए केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, ठीक है। केवल BA ऑनर्स को छोड़कर सभी पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग और सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। अभी तक आप स्नातक में देख सकते हैं तो कितने स्टूडेंट ने 1876 स्टूडेंट्स ने यहां पर एडमिशन लिया है, और फॉर्म मतलब यहां पर क्या कहते हैं फीस पेमेंट हो चुका है। PG कोर्सेज की बात करें तो 2629 अभ्यर्थियों ने, और महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवंटित जो स्नातक में है 1285 तथा परस्नातक के 331 अभ्यर्थियों ने सीट कंफर्म करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा किया है। अब देखो यहाँ पर इतने लोगों ने फीस पेमेंट किया है, ठीक, मतलब फीस पेमेंट इतने लोग किए हैं स्नातक और PG में, लेकिन यहाँ पर जो सीट कंफर्म मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी कितने हुए हैं 1285, और इसमें से ये तो समझ सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो 4500 से अधिक अभ्यर्थियों ने जमा किए शुल्क। मतलब एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, अभी तक विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 1876 और पर स्नातक के 2629 अभ्यर्थी प्रवेश में शुल्क जमा कर चुके हैं। कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवंटित स्नातक के मतलब जो भी कॉलेज हैं मतलब जिन बच्चों को कॉलेज मिला है उसमें 1285 और पर स्नातक के 331 अभ्यर्थियों ने सीट कंफर्म करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा किया है। ये आपका कॉलेज का है, ठीक है, और ये आपका क्या है यूनिवर्सिटी का है, जो ऊपर वाला डिटेल्स दिया गया है। इसके अलावा इसमें बताया जा रहा है कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को 8 अगस्त तक दिया गया है टाइम, ठीक है, और यहाँ पर समय से जो भी अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया तो जो भी उनने सीट अलॉट की गई है वो क्या कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी, उनकी सीट क्या है फिर दूसरे काउंसलिंग में दूसरे को अलॉट कर दी जाएगी। तो सीटों पर रिक्त जो भी सीट बचेंगी उस पर दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। सभी संकाय विभागों कॉलेजों को अभ्यर्थियों के आवेदन पर पत्र देखने आवंटित स्थिति देखने के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद अपनी ओर से इस पुष्टि करने के लिए लॉगिन सुविधा दी गई है। सभी विभाग इस सुविधा का लाभ उठाते हुए प्रवेश के तथा ताज़ा स्थिति अपडेट भी करते रहें।
तो अब मन में यही है कि मैम सीट बचेंगी कि नहीं बचेंगी। तो देखो चांसेस यहाँ पर है, जो भी अगर उस रैंक के, जो भी रैंक का पीडीएफ आया है ना, अगर आप उस रैंक में हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप उस रैंक में नहीं हो तो फिर आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि आप देख ही सकते हैं अभी फर्स्ट फेज़ ऑफ काउंसलिंग में ही 80% सीटें फुल हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा टफ है ना, और रैंक के बेसिस पर आपका एडमिशन हुआ। तो याद रखना जिस रैंक में आपका है उसमें हो जाएगा, और नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, बाकी के कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पिन करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड द टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। ओके थैंक यू, परेशान मत होना, जो भी होगा अच्छा होगा। जो भी स्टूडेंट्स का रैंक अच्छा है उनको DDU कैंपस में ही अलॉट किया जाएगा। ओके थैंक यू।